इट्स मी श्रुति मिश्रा एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना रिव्यू हिमालय नरिशिंग स्किन क्रीम के बारे में। एंड गाइस, ये लाइट एंड नॉन ग्रीसी मॉइस्चराइजर है, विंटर्स के लिए है। सो मैंने सोचा कि ये टाइम परफेक्ट है इस प्रोडक्ट का रिव्यू करने में, क्योंकि विंटर अपकमिंग है और अभी से ही हम लोगों को मॉइस्चराइजर लगाना शुरू कर देना चाहिए, ताकि जो हमारी स्किन है वो हाइड्रेटेड रहे, मॉइस्चराइज रहे और एक ग्लो बरकरार रहे। सो अगर आप भी प्लान कर रहे हैं कोई अपने लिए अच्छा सा मॉइस्चराइजर परचेज करने का, तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, ताकि आपको पता चल सके कि ये मॉइस्चराइजर आपके लिए है कि नहीं, या फिर आपको कोई और मॉइस्चराइजर परचेज करना चाहिए। इससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए रेड बटन को प्रेस करके, जस्ट पकड़ में लगा बेल बटन उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं सबको रिप्लाई करूंगी, सबकी हेल्प करूंगी एज सून एज पॉसिबल। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरा वीडियो। हिमालय नरिशिंग स्किन क्रीम लाइट एंड नॉन ग्रेजी। गाइज, ये 2 से 3 वेरिएंट आते हैं मॉइस्चराइजर में, एंड ये मॉइस्चराइजर स्पेशली है विंटर्स के लिए। लोशन भी आता है जिसका नाम भी सेम है, हिमालय नरिशिंग बॉडी लोशन, एंड इसका भी मैंने रिव्यू बहुत पहले अपने चैनल पे शेयर किया हुआ है। ये भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आप लिंक मेरे स्क्रीन में या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। अफोर्डेबल प्राइस का 50 ml का ये मॉइस्चराइजर, इसका प्राइस 75 rupees। इसकी शेल्फ लाइफ 3 ईयर्स की है। इसके 3 से 4 साइज अवेलेबल हैं। ये इसका मीडियम साइज़ है, इससे छोटा भी अवेलेबल है और इससे बड़ा भी अवेलेबल है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग परचेज कर सकते हैं। अगर पैकेजिंग की बात करें गाइस, तो ये इस तरीके की टब पैकिंग में आता है। पैकिंग काफ़ी अच्छी, मुझे काफ़ी पसंद आई। टब की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है एंड इस तरीके की ओपनिंग है, आप देख सकते हैं। अगर कंसिस्टेंसी की बात करें गाइस, तो ये क्रीम थिक कंसिस्टेंसी की नहीं है, मीडियम कंसिस्टेंसी कह सकते हैं, और स्किन में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है, मतलब कि बहुत नॉन ग्रीसी फिनिश देती है। आप देख सकते हैं कि कितनी जल्दी एब्जॉर्ब हो गई और बिल्कुल भी चिपचिप सा लुक नहीं है, तेली टाइप का लुक नहीं आता है इसको लगाने के बाद, आप देख सकते हो। एंड ये अच्छे से स्किन को हाइड्रेट करती है, मॉइस्चराइज कर देती है, बट वो चिपचिप वाला लुक ये नहीं देती है। इंग्रेडिएंट्स की बात करें गाइस, तो इसमें केमिकल भी मिक्स है, इसमें हर्बल इंग्रेडिएंट्स भी हैं, एंड इसमें मिथाइल पैराबेन एंड प्रोपिलीन पैराबेन दोनों मिक्स किया गया है। सो ये पैराबेन फ्री प्रोडक्ट नहीं है। ये आपकी स्किन को नरिश करेगा, प्रोटेक्ट करेगा एंड मॉइस्चराइज करेगा, ये जो क्लेम करता है। ये तो थी प्रोडक्ट की डिटेल। अब मैं शेयर कर रही हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इस प्रोडक्ट के बारे में, एंड ये क्रीम किस स्किन टाइप के लिए परफेक्ट है। गाइज, ये क्रीम मैंने काफ़ी बार यूज़ की है, मतलब मैं बहुत फैमिलियर हूँ इस क्रीम से, कि क्रीम काफ़ी मैं यूज़ कर चुकी हूँ। गाइज, ये क्रीम काफ़ी नॉन ग्रीजी फिनिश देती है। अगर आपकी स्किन ऑयलियर साइड है, कॉम्बिनेशन है, नॉर्मल है, और आपकी स्किन इस टाइम आते विंटर्स के आते आते थोड़ी सी ड्राई होने लगती है स्किन में, यहाँ कहीं ड्राई पैचेस होने लगते हैं, तो फिर वो टाइम आ गया है कि आपको अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज करना पड़ेगा। सो ये क्रीम उस स्किन टाइप के लिए परफेक्ट है, जो कि हाइड्रेशन तो चाहती है बट चिपचिप सा लुक नहीं चाहती है, ऑयली लुक नहीं चाहती है, एंड पिम्पल्स भी नहीं चाहती है। तो ये क्रीम उन लोगों के लिए परफेक्ट है, उस स्किन टाइप के लिए परफेक्ट है। बट जैसे कि अगर आप ड्रायर साइड हो, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो आपको शायद ही क्वांटिटी में ज़्यादा लगानी पड़ेगी, या फिर आप कोई और अपने लिए बटर क्रीम इस तरीके की देख सकते हैं, क्योंकि ये क्रीम स्पेशली है नॉर्मल ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन टाइप के लिए। ड्रायर स्किन के लिए ये थोड़ी क्वांटिटी में ज़्यादा लगेगी अगर आप यूज़ करना चाहते ही हैं तो, वरना आप इसका शायद एक बटर क्रीम भी आता है वो भी ट्राई कर सकते हैं। सो फ्रेंड, ये था मेरा छोटा सा हॉनेस्ट रिव्यू, जो कि है हिमालय नरिशिंग स्किन क्रीम के बारे में। आई होप आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ उसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जस्ट बगल में लगा बेल बटन उसको भी प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड गाइज, मैंने अपने चैनल पर इस टाइम बहुत सारे मॉइस्चराइजर एंड कोल्ड क्रीम का रिव्यू शेयर किया है, एंड आप उनको चेक कर सकते हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग कोई ना कोई मॉइस्चराइजर जरूर मिल जाएगा। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।